ये जो उखाड़ता तो पैसा लेता है, जैसे धान वाला में उखाड़ता है तो लेता लेके टोटल उखाड़ो तो पैसा लो तो दीजिए हम को ड्रेस खरीद दीजिए तो बढ़िया जितना जितना पैसा उसको मिलता है उतना नहीं मिलेगा आ खाना बना के खिलाया हूं फ्री में वो खाई से तो खाई से तो आपका कपड़ा धोए सो तो उससे क्या हुआ मटकावरी से हाँ वैसे ही धान जैसा ना दूर दूर करके थोड़ा सा लगाना है ऐसे खाल घुसा के छोड़ देते हैं हाँ बस बस ढकना नहीं है उसको अंगूठा से अंगूठा से तो दोस्तों देखो ये टमाटर का जो है सब हमने सिर्फ उठा लिया उसको लेके चल रहे हैं घर। हेलो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग खेत में जहाँ पे थोड़ी सी काम चल रही है खेत में प्याज का बीज डलाएगा और खेत की जुताई करनी है हल बैल के साथ तो चलिए चलते हैं खेत में और दिखाएंगे आपको कि हम लोग कैसे भी खेत में हल जोत रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले। हाँ मैडम भी पीछे है देखो उनका डर भी लगता है लेकिन क्या करें और हाँ सामने तो देख रहे हैं कि कैसे खेत में हम उसको बराबर कर रहे हैं जमीन को हल जोतने के बाद और बगल मैडम से देखो इधर क्या कर रही है कुछ छिटाव कर रही है लगता है तो गाइज फाइनली खेत की जुताई भी हो गई है देख सकते हैं कितना प्लेन हो गया कितना एकदम एक बराबर सब हो गया पूरी तरह से चारों तरफ पूरा प्लेन हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा जहाँ जहाँ भी ऊबर खाबड़ जमीन है उसको ठीक करेंगे और साथ में मेरी मैडम भी थोड़ा सहायता करेगी तो आइए देखते हैं और बगल देखिए मेरी बहन इधर वो देखिए काम करवा रही है सबसे कैसे कैसे काम करना है वो हाँ सबको ऑर्डर दे रही है कि कैसे कैसे काम करना है। इधर देखो मैडम को ये क्या ले रखी है ये खाद है खाद इसमें डलेगा हाँ खेत में भी डलेगा खाद वो है पानी पटा रहे हैं अभी ये पूरा खेत का एरिया है जिसमें पानी पट रहा है ये देखिए ये भी इसको कैसे क्यारी में खोल करके फिर पानी जाने देगा देखिए दवाई रखी जा रही है ताकि कीड़े मकोड़े भी ना लगे और साथ ही घास जंगल भी ना हो क्योंकि इसमें भी प्याज की रोपाई करनी है तो थोड़ी देर के बाद इसमें काम होगा क्योंकि पहले बीज निकालेंगे तब फिर तब तक हम लोग जाते हैं बीज निकालेंगे फिर लगाएंगे। दोस्तों यही वो खेत में बीज लगा हुआ है जिसको कि हम लोग निकालेंगे और बस इधर उस खेत में उसको डाल देंगे। हम लोग अभी आ गए खेत में वो खाने के लिए बीज देखिए प्याज का बीज लगा हुआ है इसी को हम लोग अभी निकालेंगे और चलिए अभी शुरुआत करते हैं हम भी क्योंकि मैडम इधर खा रही है इधर माँ भी है अभी बीज निकाल रही है और हम भी निकालना शुरू कर एकदम अच्छा सुखड़ रहा है पता धान के बीज से अच्छा ये वाला है धान में तो प्रॉब्लम भी होता है इसमें उखाड़ लेते हैं एकदम आसान से आसानी से उखड़ रहा है ना तो हमको पैसा दीजिएगा ना तो जन के काम आधा जन का काम हम कर रहे थे बताइए जो उखाड़ता तो पैसा लेता है जैसे धान वाला में उखाड़ता है तो लेता टोटल उखाड़ो तो पैसा लो तो दीजिए हमको ड्रेस खरीद दीजिए तो जितना जितना पैसा उसको मिलता है उतना नहीं मिलेगा खाना बना के खिलाया फ्री में वो खाई से तो खाई से तो आपका कपड़ा धोए सो तो उससे क्या हुआ गाइस हम लोग को खेत में थोड़ा सा टमाटर भी निकालना था तोड़ना था टमाटर तो हम लोग खेत में भी आ गए हैं थोड़ा सा टमाटर तोड़ेंगे और ये देखिए ये हमको भगा रही है खुद टमाटर देखो 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 किधर है ये देखिए एकदम लाल लाल है जैसा बिकता ना वैसा ये दोस्तों ये देखिए पूरा जितनी दूर तक दिख रहा है सब टमाटर ही टमाटर लगा हुआ है नीचे पका हुआ सा कितना पका हुआ टमाटर है तो ये देखिए ना ये कितना छोटा छोटा है मटर की तरह लगता है ये बहुत छोटा छोटा वाला है ना एकदम मटर के दाने की तरह और छूटेगा देखिए हम लोग ना खेत में थोड़ा सा बैंगन भी लगा रखे हैं देखो कितना सारा इधर पड़ा हुआ है बैंगन इसमें देखो कितना सारा पेड़ में लगा हुआ है बहुत सारा है इधर भी देखिए इधर कितना सारा इधर लगा हुआ है बहुत सारा पेड़ में लगा हुआ अब लगी किरण बैंगन तोड़ने देखो 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 दूसरे में से चोरी करके बैंगन नहीं अपना है दूसरे में से क्यों लेना
मेरा छुटका ही इतना है तो दोस्तों जिनको जिनको चाहिए ले जाइए मेरे यहाँ बहुत सारा है। अच्छा जिनको भी चाहिए सब लोग आइए। और बैंगन टमाटर है वो ये देखिए टमाटर ऐसा वाला गुच्छा मिलता ना मजा आ जाता क्या। तो चलो साथियों ये टमाटर तोड़ा हुआ हो गया है। अब हम तोड़ रहे हैं ना हाँ। के तोड़ने के बाद भी देखिए हम लोग फिर निकलेंगे लेके जाएंगे घर। सिर पे रख लिया जाओ गिर गया वो गिर गया उठा 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 उसको गिर गया ठोकर लग के छोड़ो। तो दोस्तों देखो ये टमाटर का जो है सब हमने सिर्फ उठा लिया उसको लेके चल रहे हैं घर। देखिए काम हो गया है हम लोग चलेंगे प्याज का बीज उखाड़ रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे और फिर प्याज लगाएंगे खेत में। सो गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं और यहाँ पे इसको ना हम लोग दौड़ी बोलते हैं छिट्टा बोलते हैं गांव में। तो इसको उतारेंगे अभी और उतारने के बाद फिर रखेंगे। आ गए हैं चलो इधर भाई भी आ गए उतारने के लिए उतार ले रहे हैं ये ले आए उतार करके। ये देखो आ गया रख देते। चलिए दोस्तों ये काट काट के तैयार हो रहा है इधर बीज माँ बांध रही है किरण काट रही है और उधर लोग लगा रहे हैं खेत में मैं भी इसमें लगाऊंगा जा करके अभी। सो गाइस खेत में प्याज का बीज लगाने का काम शुरू हो गया। देखिए कैसे खेत में बीज लगाया जा रहा है प्याज का। हाँ ऐसे ही धान जैसा ना दूर दूर करके थोड़ा सा लगाना है ऐसे खाली घुसा के छोड़ देते हैं। हाँ बस ढकना नहीं है उसको अंगूठा से इसमें लग गया। देखिए कितना सारा मटर फरा हम उस टाइम रोप रहे थे सब लोग बोला नहीं फरेगा देखिए फरा जो मेरा मटर देखिए अभी और है इधर और है और माँ तो खा रही थी। सो गाइस जिस खेत में बीज लगा हुआ था उस खेत को भी हम लोग कुदाल से ताम करके यानी कि कोड़ करके उसको और फिर उसमें भी बीज लगाएंगे प्याज का। तो इसलिए हम और मेरा भाई दोनों मिलकर के इसको कोड़ रहे हैं और फिर जब हो जाएगा तो इसमें पानी पटाएंगे और तब फिर उसमें बीज लगाएंगे। लेकिन लगी खेत को तामने देखो देखो कैसे कर रही है देखो आ करो बहुत काम करना है ना करो करो बस हो गया खत्म ढक कहला दी तो पूरा अच्छा है हो नहीं रहा तुमसे लेकिन किसी तरह से कर रही है। करो मेहनत करो मीठा फल होता है मेहनत का फल मेहनत का फल क्या होता है मेहनत का फल प्याज होता है। सो गाइस देखिए हमें इतना सारा तो हो ही गया ये सारा का सारा हो गया इधर देखिए चलो इधर ये पूरा का पूरा हो गया। अब ये थोड़ा सा लास्ट इधर बचा है जो ये नीचे है इसको अभी हम लगा लेते हैं और अभी का ये हो जाएगा ख़त्म। तो चलो देखो ऐसे इसको लगाते हैं तो दोस्तों कैसे प्याज की खेती की जा रही है हम लोग सब लोग मिलजुल करके किए हैं आज ऐसे ही हर जगह प्याज की खेती होती है शायद अब आपके तरफ कैसे होती है पता नहीं आप बताना हमें कमेंट करके कि आपके तरफ कैसी होती है खेती क्योंकि हमारे तरफ ऐसा ही होती है कि पहले बीज लगाते हैं फिर उखाड़ करके इस तरह से क्यारी में पानी भर के और तब फिर लगाते हैं जैसा ही मैं कर रहा हूँ शायद आपकी तरफ भी ऐसा ही हो। तो दोस्तों ये हमारा आज का ये काम खेत का ख़त्म हो गया शाम भी हो चुकी है लगभग अंधेरा होने होने को आया और काम भी अपना समाप्त हो गया है। चलिए दोस्तों आज का ये काम ख़त्म प्याज की खेती थोड़ा सा बीज बच गया उसको फिर किसी दूसरे खेत में लगाएंगे लेकिन इधर का कम्प्लीट हो गया। देखिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर आप भी किसान हैं खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके बताएं कि प्याज की खेती हमने जो किया तरीका सही था या गलत और आपके तरफ कैसी होती है ऐसा ही बताना।